नहीं खाने के तो वैसे बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जब भी आप आपके हेल्दी टर्टल को घर पे इतना लाते टाइम? हैं, नए टर्टल नहीं लेते हैं, वो तुरंत 1 या 2 दिनों में खाना चालू कर देते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है अगर आपका टर्टल खाना नहीं खाता है कोई तो? सिम्टम्स दिखा रहा है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा या स्वेलन आइज होगी, ये कोई चीज़ों का चीज़ ध्यान रखें, आपका टर्टल धीरे धीरे खाना खाना चालू कर देगा। हे गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वॉचिंग पेटशाला। तो आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही कॉमन है, जो हर कोई हॉबीस्ट, नया नया टर्टल हॉबीस्ट होता है, जो टर्टल को लेके आता है नया, वो ये फेस करता ही करता है। तो ये क्या है? तो जब भी आप आपके टर्टल को घर पे नया लेके आते हो तो आपका टर्टल खाना नहीं खाता है, तो सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या मैंने अनहेल्दी टर्टल लाया है, क्या ये बीमार है, क्या ये नहीं खाएगा तो ये मेरे पास मर जाएगा, तो क्या मैं इसे वापस दे दूँ, तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हर किसी का क्वेश्चन होता है, हर कोई ये मैसेज में बताता रहता है, कमेंट में बताता रहता है कि मेरा टर्टल खाना नहीं खा रहा है, तो मैं क्या करूँ, इसके लिए क्या करूँ। तो आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपको ठंडे दिमाग से काम लेना है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ये सभी के साथ होता है, ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों के साथ होता है। 10 से 20% लोगों के जो टर्टल्स होते हैं वो आते ही खाने लगते हैं। नहीं खाने के तो वैसे बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जब भी आप आपके हेल्दी टर्टल को घर पे लाते हो तो वो खाना क्यों नहीं खा रहा है, डर जाते हो, तो उसके बेसिकली 2 रीजंस हैं। सबसे पहला कि नया एनवायरनमेंट, नए एनवायरनमेंट में वो तुरंत नहीं एक्लिमेट होता है, उसे टाइम लगता है सेट होने में, और टर्टल्स अगर 3 4 दिन या वीक या 2 वीक भी खाना नहीं खाएंगे तो भी चलता है, क्योंकि वो अपना जो एनर्जी होती है वो स्टोर करके रखते हैं। हाँ, लेकिन उनकी जो फैट स्टोर करके रखा होता है वो कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन इतना टाइम नए टर्टल नहीं लेते हैं, वो तुरंत 1 या 2 दिनों में खाना चालू कर देते हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है अगर आपका टर्टल खाना नहीं खाता है तो? तो सबसे पहली बात, जब भी आप टर्टल को लेके आते हो, उसी टाइम आपको उस शॉपकीपर से पूछना है, जो पेट शॉप वाला है उससे पूछना है कि आप इसे क्या फीड कर रहे थे, वही फूड आप शुरुआत में उसे लेके आए और वही फूड फीड करें, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि टर्टल्स को आदत हो जाती है, जब भी जो बचपन से उन्हें फीड किया जा रहा है वही उनको खाने की आदत होती है, तो उसे आपको धीरे धीरे आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में जो वो शॉपकीपर या फिर कोई भी आपका दोस्त हो उसके पास से लाया होगा, तो उसे पूछना है कि आप कौन सा फूड उसे फीड कर रहे थे, वही फूड लाए, क्योंकि इनके बहुत सारे अलग अलग फूड आते हैं, टायो के, हिकारी के, टेट्रा के, टेट्रा बाइट्स, टेट्रा के शायद, हाँ टेट्रा के भी आते हैं, तो सभी के थोड़े ना थोड़े इंग्रेडिएंट्स तो अलग होते हैं, स्मेल अलग होता है, कलर अलग होता है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ पूछ के लेनी है, वो फूड लाना है। तो इसके वजह से अगर आप हिकारी का वो जो शॉपकीपर है या कोई आपका फ्रेंड है जिसके पास से आपने इसको टर्टल को लिया था, वो हिकारी का फीड कर रहा होगा और आपने दूसरा कोई ब्रांड का उसे फीड कर दिया, तो वो शुरुआत में नहीं खाने वाला है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये बहुत कम केसेस में होता है, टर्टल सब कुछ खा लेते हैं, और शुरुआत में अगर वो एक ही खाने की आदत डाल दी आपने तो वो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए आपको वैरायटी के फूड फीड करने हैं। ये दूसरा टॉपिक है, हम उसके ऊपर बाद में डिटेल में बात करेंगे। और दूसरी चीज़, जब भी हम कोई भी पेट लाते हैं तो एक्साइटमेंट की लेवल हमारी 1000% होती है, तो हमें उसके साथ उसको उठाना होता है, और ये टर्टल्स बहुत क्यूट, छोटे छोटे होते हैं, तो ये बहुत ही एडोरेबल होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, तो हम बार बार इन्हें हैंडल करते हैं, बार बार उठाते हैं, बार बार पानी से निकालेंगे, उनके साथ फ़ोटोज़ निकालेंगे, उनकी एक्टिविटीज़ देखेंगे, क्योंकि बहुत क्यूट होते हैं, तो ये सबसे पहले आपको ये चीज़ नहीं करनी है। जी हाँ, ये चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेस में आते हैं, क्योंकि नया एनवायरनमेंट होता है, और आप अगर इनको बार बार छेड़ोगे तो ये डर डर के भागेंगे और खाना खाना भूल जाएंगे, तो वो डर के ही रहेंगे, अगर कोई भी इनके
एनक्लोजर के नज़दीक, टैंक के नज़दीक आ जाएंगे तो ये बहुत हड़बड़ी में डर के पानी में भाग जाएंगे और यहाँ वहाँ टैंक में टकराते रहेंगे और ये स्ट्रेस आ जाता है इससे। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। शुरुआत में थोड़ा आपके इमोशंस को कंट्रोल करना है और टर्टल्स हैंडलिंग के लिए नहीं बने होते हैं। अभी मैं इसे आपको दिखाने के लिए बस हैंडल कर रहा हूँ, वरना मैं कभी भी मेरे टर्टल्स को हैंडल नहीं करता हूँ। हैंडल करने की भी एक टेक्निक होती है, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आपको ज़्यादा उन्हें छेड़ना नहीं है। अगर आप उन्हें बार बार डिस्टर्ब करोगे, बार बार उन्हें छेड़ोगे, बार बार उन्हें उठाओगे, खेलोगे उनके साथ, या फिर आपके बच्चे होंगे वो बार बार उनके नज़दीक जाके बैठेंगे, उन्हें छेड़ते रहेंगे, तो वो स्ट्रेस में आएंगे और उससे खाना छोड़ देंगे। तीसरा एक रीज़न होता है कि बहुत बार हम क्या करते हैं कि दूर से कहीं टर्टल लेके आते हैं या फिर किसी ऑनलाइन स्टोर से मंगवाते हैं किसी, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में बहुत टाइम लगता है उन्हें आने में, तो वो स्ट्रेस बहुत होता है। और उस स्ट्रेस में वो नए एनवायरनमेंट में आने के कारण वो ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं, तो वो इस केस में भी खाना छोड़ देते हैं। तो ऐसे केस में भी नहीं डरना है, आपको उनका टाइम देना है, उन्हें एक्लिमेट होने को टाइम देना है, उनके एनक्लोजर में सेट होने के लिए टाइम देना है और धीरे धीरे आपको उनको फूड इंट्रोड्यूस करते रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप आधे घंटे के लिए उनके एनक्लोजर में फूड उन्हें फीड करें। और मैं ये एक छोटी और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि आप इन्हें उनके एनक्लोजर में ना फीड करें, एक छोटे से बाउल में फीड करना चालू कर दें, इससे कि इनको बाहर बाउल के, उनके एनक्लोजर के बाहर फीड करने की आदत हो जाएगी और आपको इनका एनक्लोजर बार बार वाटर चेंजेस, ज़्यादा क्लीनिंग भी नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि इनका एनक्लोजर जो है वो क्लीन रहेगा। तो आपको ये चीज़ करनी है शुरुआत से ही, तभी उसको आदत हो जाएगी। तो आपको उन्हें अलग टब में फीड करना है। तो ऐसे करें, आधे घंटे के लिए उनका जो फूड है वो उसके टब में रखें या एनक्लोजर में, शुरुआत में आप जो भी चाहे उसके अंदर रखें, उसके बाद निकाल दें, क्योंकि वो ख़राब होने के बाद पानी गंदा होने वाला है, उससे कि टर्टल को ही तकलीफ होगी। तो उससे अच्छा 20 मिनट से आधे घंटे के लिए आप उसमें रखें, वो फूड नहीं खाएगा तो निकाल दीजिए और फेंक दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे टर्टल को आप अगर दो बार फीड कर रहे हो, बहुत बार ऐसे भी होता है कि दो बार फीड करते हैं और शुरुआत में ही इतना फीड कर देते हैं कि वो टर्टल का पेट पूरा भर जाता है, तो वो सुबह खाएगा, शाम को आप फीड करोगे तो वो नहीं खाएगा, तो ऐसे लगता है कि अरे यार मेरा टर्टल तो खाना नहीं खा रहा है, तो मैं क्या करूँ, अभी एक ही बार खा रहा है इतना, तो ये क्या ये ठीक है या नहीं। तो अगर आप ओवर फीड करोगे, सुबह एक बार और शाम को एक बार फीड कर रहे हो, तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ही फूड देना है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा आगे, तो ये भी चीज़ होती है कि आपका टर्टल एक बार खाना खाएगा उसके बाद नहीं खाएगा, क्योंकि उसका पेट बड़ा फुल होता है और टर्टल बहुत छोटा होता है, तो छोटे टर्टल्स ईजिली फुल हो जाता है उनका पेट। तो ये भी एक रीज़न होता है कि एक बार ही खाने के बाद दूसरी बार नहीं खाएगा, या फिर एक दिन आपने ओवर फीड कर दिया उसके दूसरे दिन वो नहीं खाएगा, क्योंकि ओवर फीडिंग होती है, ओवर फीडिंग की वजह से उसके पेट में भी खाना रहता है तो वो दूसरे दिन नहीं खाएगा। तो ये भी एक रीज़न है। और जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस, आपको उसको छेड़ना नहीं है, और नया एनवायरनमेंट, ओवर फीडिंग, तो ये चीज़ों का ध्यान रखें, आपका टर्टल धीरे धीरे खाना चालू कर देगा। नए एनवायरनमेंट, नए ओनर की वजह से भी ये खाना छोड़ देते हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और डरना नहीं है। आपका ये टर्टल खाना खाएगा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। अगर वो कोई सिम्टम्स दिखा रहा है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा या स्वेलनाइज होगी, तो इस केस में वो नहीं खाएगा, तो आपको उसे ट्रीटमेंट देनी है या फिर वेट के पास लेके जाना है। ट्रीटमेंट के वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हेल्दी टर्टल ही लाएँ, और हेल्दी टर्टल होगा और वो खाना नहीं खा रहा होगा, तो ये सब रीज़न्स होते हैं। तो आपको बस यही चीज़ें करनी है, उसको आधे घंटे के लिए खाना डाल के रखना है, खाएगा या नहीं खाएगा यही होने वाला है, नहीं खाएगा तो आधे घंटे के बाद या 20 मिनट के बाद वो खाना निकाल दे और शाम को वापस ट्राई करे, ये ट्राई करते रहे, वो धीरे धीरे उसको समझ में आएगा कि ये फीड कर रहे हैं, तो वो खाना चालू कर देगा। तो आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये चीज़ें बहुत कॉमन है, सभी के साथ ये होती है। ऑलमोस्ट मैंने जैसे बताया कि 80-90% लोगों के साथ ये चीज़ होती है, तो निश्चिंत रहे और
आपके टर्टल को जो भी न्यूट्रिशन है देते रहे। तो यही था एक छोटा सा वीडियो आपके लिए, आपके जो डाउट्स थे वो आई होप मैंने क्लियर किए होंगे। सो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स ना मिस करें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय। अरे पीछे के पैरों से भी। अच्छा चलो, दोनों पैरों से बाय कह रहा है। बाय।